गौमूत्र। गौमूत्र एक सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध होने वाला प्रभावशाली पदार्थ है। इसमें लगभग 95% पानी, 2.5% यूरिया एवं 2.5% अन्य घटक पाए जाते हैं। गौमूत्र में नाइट्रोजन, मुख्यतः अमोनिया के रूप में, पोटाश, सल्फर, कार्बोलिक एसिड, फेनॉल्स, क्रिएटिनिन, जस्ता, एंजाइम, यूरोकाइनेज एवं अनेक सूक्ष्म मात्रिक तत्व पाए जाते हैं। गौमूत्र एक जीवाणुरोधी, कीट नियंत्रक, फफूंदनाशी के रूप में काम करता है। गौमूत्र जितना पुराना होगा उतना खेती के लिए अच्छा होगा। गौमूत्र को आप मटके या प्लास्टिक पात्र में रख सकते हैं, परंतु इसे लोहे के पात्र में नहीं रखें। गौमूत्र को अकेले 150 से 200 मिलीलीटर प्रति 16 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। ऐसा अनुभव में आया है कि कुछ फसलों जैसे कपास या भिंडी में इसकी अनुशंसा से अधिक मात्रा डालने पर पत्तियों में कड़कपन आ जाता है, अतः सावधानी रखें। गौमूत्र का उपयोग मटका खाद या जीवामृत, खाद पकाने में निम्बोली काढ़ा, पांच पत्ती काढ़ा जमीन में पानी के साथ में मिलाकर खेत में दिया जाता है। किसान भाइयों, गौमूत्र जैविक खेती में उपयोग में आने वाला एक आधार स्तंभ है, अतएव आप सभी इसके एकत्रीकरण की व्यवस्था अवश्य करें। गौमूत्र एकत्रीकरण हेतु आप गाय द्वारा सीधे मूत्र देते वक्त या गाय के पछाड़ वाले हिस्से में पक्की नाली बनाकर आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। वसुधा अभियान प्रतिभा सिंथेटिक्स का प्रयास। वसुधा।